वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारे शहरों में कैसे काम होता है। शहर के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन सभी कामों को कराने के लिए, वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ स्टोरी से भी के बारे में जानकारी लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रभात शर्मा क्लास से जुड़े रहें। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेडेड आउट। एक शहर जो है वो गांव से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ भी होता है। A city has crowded markets, many buses and cars, water, electricity facilities, traffic control and hospitals. हम सब जानते हैं कि सिटी शहरों में बहुत भीड़ भाड़ भी होती है। भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहाँ पे बाज़ार भी भीड़ भाड़ वाला होता है, वहाँ पे बसेस भी चलती हैं, कार, पानी और बिजली की सुविधा भी दी जाती है और बहुत सारा ट्रैफिक जाम भी लगता है। अस्पताल भी होते हैं, तो ये सारी सुविधाएँ, ये सारी सर्विसेज एक सिटी में दी जाती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस। क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सभी को कौन मेंटेन करता होगा? आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड। क्या आपको पता है कि ये सभी, इन सभी चीज़ को मेंटेन करने के लिए पब्लिक सर्विसेज को, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, मार्केट, बस की सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए कौन डिसीजन लेता है और कैसे लिए जाते हैं, किनके द्वारा लिए जाते हैं? हाउ द प्लानिंग इज़ डन। कैसे पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है इन सभी काम को करने के लिए? एंड हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क। रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। और आपको पता होगा कि ये कौन से ऐसे लोग होते हैं जो इन सभी कामों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं और इन कामों को करते हैं, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको पता चल रहा होगा कि देखो कैसे ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट बॉल। इस बच्चे के हाथ में बॉल है और इस बच्चे के हाथ में बैट है। इस स्टोरी को थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rihanna were playing a game of cricket in the street. एक संडे की दोपहर की बात है, अलसाही संडे की दोपहर थी। वहाँ पर माला, जहांगीर, शंकर और रिहाना क्रिकेट का मैच खेल रहे थे। शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. शंकर अपना अच्छा खासा ओवर कर ही रहा था बट रिहाना अभी भी बैटिंग कर रही थी। बट वो परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था। ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच। वो यही उस बात से परेशान था कि कैसे भी मुझे इस रिहाना को आउट करना है जो ये बहुत देर से खेल रही है। तो उसने ओवर बॉल डाल दी, उसके शॉर्ट बॉल डाल दी बिल्कुल बैट पर, और वो ये चाहता था कि ये रिहाना जो है वो कैच आउट हो जाए। इंस्टेड रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई डैट द स्ट्रीट लाइट पोल ब्रोक। रिहाना ने अपनी बॉल इस तरह से मारी, इतने जोर का शॉट लगाया बहुत ही ऊंचा, कि उससे, उस बॉल से उस गली की लाइट टूट गई। रिहाना स्क्रीम्ड, ओह नो, लुक व्हाट आई हैव डन। शंकर सेड, यस, वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल डैट इफ़ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। जैसे ही रिहाना ने लाइट को टूटते हुए देखा तो उसके मुंह से जोर से चिल्लाई और बोला, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। शंकर ने तभी बोला, अरे हम तो रूल बनाना भूल ही गए थे कि जो स्ट्रीट लाइट को तोड़ देगा वही आउट माना जाएगा। बट माला, जहांगीर और रिहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। शंकर को छोड़कर माला, जहांगीर, रिहाना इस बात से बहुत चिंतित थीं कि ये क्या हो गया, कैसे स्ट्रीट लाइट टूट गई। एंड दे टोल्ड शंकर ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट।
और शंकर से बोला, तुम अभी विकेट के बारे में, आउट के बारे में चिंता करना छोड़ो, इसके बारे में चिंता करो जो अभी स्ट्रीट लाइट टूट गई है। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मलाज मौसीज विंडो, पिछले हफ्ते ही रिहाना ने अपनी मौसी की खिड़की भी तोड़ दी थी, बट उसको अपनी पॉकेट मनी, जेब खर्च से उसको रिप्लेस कराया गया था। तो इस बार भी रिहाना सोच रही थी कि क्या जो अभी स्ट्रीट लाइट टूटी है वो भी मेरे जेब खर्च से ही जाएगा पैसा, और उसको कौन चेंज करेगा, इस स्ट्रीट लाइट को मैं किसे पैसे देने जाऊंगी। रिहानाज हाउस वर क्लोजेस्ट एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड। रिहाना का हाउस जो था उसके बगल में ही उसकी मौसी का भी हाउस था। रिहाना अपनी मौसी के पास गई, एंड आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन अ ग्रेट, उसने मम्मी ने बोला, क्योंकि मौसी जो थी, उसकी खाला जो थी यास्मीन खाला, वो भी वहीं रहती थी। सबसे पहले वो अपनी माता के घर गई, उसके बाद अपनी मौसी के घर गई। रिहाना की मम्मी ने बोला कि मैं तो इस बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, चलिए अब हम मौसी के घर चलते हैं। ये अब आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये आपको मौसी दिखाई दे रही है जिसका नाम है यास्मीन खाला। डिटेल इन बट आई डोंट नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। मुझे इतना मालूम है। अब ये जो है, उसकी मम्मी ने ये तो बता दिया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है नगर पालिका शहर की, वही इन लाइट्स को रिप्लेस करती है, बट आपको अच्छे से और जानकारी जो देगी वो यास्मीन खाला देगी, जो कि उसकी मौसी थी रिहाना की, और जो कि उस नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड थी। गो एंड आस्क हर रिहानास कम बैक होम सून। उन्होंने अपनी मम्मी ने उन बच्चों से बोला कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करके। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड हर रिहाना मदर वर गुड फ्रेंड्स। यास्मीन खाला और रिहाना की मदर दोनों एक ही लाइन में रहती थीं, और वो दोनों ही अच्छी खासी दोस्त भी थीं। द चिल्ड्रन रैन टू खालाज हाउस एंड व्हेन शी ओपन्ड द डोर दे बिगेन टू टेल हर What had happened at all the once? जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया बच्चों ने, यास्मीन खाला निकल कर आती हैं। देखिए ये सामने यास्मीन खाला हैं, और वो ये बोलते हैं कि मुझे डिटेल में बताओ आखिर हुआ क्या, बच्चे तुम कैसे परेशान हो, अपनी जो प्रॉब्लम है उस सीन के बारे में बताओ, कैसे वो सीन अकर हुआ। When they asked about a street light, Yasmin Kala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to." Yasmin, जैसे ही बच्चों ने अपनी बात बताई, यास्मीन को बड़ी हंसी आई, क्योंकि बच्चे सोच रहे थे हमें पैसे किस आदमी को देने पड़ देंगे, वो कौन सा इंसान है। यास्मीन बहुत ज़ोर से हंसी और बोली कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको तुम्हें पैसे देने हैं, ये एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, जो कि हमारे शहर के स्ट्रीट लाइट्स की टेक केयर करती है, उनका ध्यान रखती है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही उन स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस भी करवाएगी जो कि रिहाना के द्वारा तोड़ी गई थी। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आइए ज़रा पढ़ लेते हैं ये क्या काम करती है। वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स, शहर की स्ट्रीट लाइट्स की ध्यान रखती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। गारबेज कलेक्शन, कचरा भी इकट्ठा करती है। प्रॉपर वाटर सप्लाई हो रही है या फिर नहीं, इस चीज़ का ध्यान भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखते हैं। कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, शहर की गलियां और बाज़ारों को भी साफ सुथरा रखती है नगर पालिका। आई हैव हियर्ड अबाउट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव पुट अप साइंस एंड अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला। उसने माला, अब लड़की बोलती है कि मैंने सुना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पोस्टर लगाती रहती है, अपने साइंस लगाती रहती, क्योंकि हमारे शहर में मलेरिया काफ़ी जोर तोर से फैल रहा है, तो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए शहरों में पोस्टर्स लगे हुए हैं। यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो, रिहाना की मौसी यास्मीन खाला ने बोला। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। हमारे शहर की जो नगर पालिका है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो इस बात का भी ख्याल रखती है,
इस बात की जिम्मेदारी है कि जो भी बीमारी है वो शहर में ना फैले। इट आल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड मेक्स गार्डन एंड मेंटेन्स देम। वो जो शहर में जितने भी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स, अस्पताल और डिस्पेंसरी जहाँ पे दवाएं मिलती हैं, दवा खाने, और शहर में जितने भी गार्डन्स हैं, उन सभी की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होती है। ये सारी बातें यास्मीन खाला ने बताई। देन शी एडेड अवर सिटी पुणे इन ए बिग सिटी। तभी उस यास्मीन खाला ने बताया कि ये सारी जो हमारी पुणे सिटी, जिस शहर में हम रहते हैं, तो इसके लिए भी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी जो कि काम करती होगी। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल। छोटे शहरों को, छोटे कस्बों में इसको म्यूनिसिपल काउंसिल भी बोला जाता है। द वार्ड एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। आइए स्टूडेंट, वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में जानते हैं। वार्ड काउंसिलर स्टूडेंट्स वो होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो इंडिया है, जो हमारा देश है, वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, और स्टेट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। क्योंकि हम अगर सिटी की बात करें, सिटी अगर हम आगरा, भोपाल, लखनऊ की बात करें, तो वो जो है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड है। तो उस वार्ड की जो जिम्मेदारी लेता है उस इंसान को बोलते हैं वार्ड काउंसिलर। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो? डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्क्ड इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? आस्क रुहाना। रुहाना ने पूछा। इस यास्मीन खाला इस बात से इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी बहुत क्यूरियस थी कि बच्चे ये भी पता कर सकें कि पार्कों की देखभाल कौन करता है, कहाँ बनने चाहिए, इन सब के लिए डिसीजंस कौन लेता है। ये सारी बातें रिहाना ने यास्मीन खाला से पूछी। नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पेइंग स्लिप। रिहाना की जो मौसी थी यास्मीन खाला, उन्होंने ये बताया कि मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी, बट मैं अकाउंट्स ऑफिस में थी, जो कि मैं लोगों की सैलरी की पर्ची बनाती थी। सिटीज़ आर यूजली क्वाइट लार्ज, सो द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू मेक अलॉट ऑफ डिसीजंस एज वेल एज डू अलॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो है, उसके जो डिसीजंस है, वो उसकी जिम्मेदारी ये है कि बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस शहर की देखभाल, रख रखाव रखती है। जैसे हमने पढ़ा था कि शहर को साफ़ सुथरा, बाजार और गलियों को साफ़ सुथरा, प्रॉपर वाटर सप्लाई हो रहा है या फिर नहीं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गार्डन्स, डिस्पेंसरीज, इन सभी की देखभाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस करती है। बहुत सारे काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को करने पड़ते हैं। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड बी गो एंड हाउ यूजुअली मेड बाय वार्ड काउंसिलर्स। और इस बात के भी डिसाइड की जाती है कि शहर में कहाँ पे नए नए पार्क और हॉस्पिटल्स बनाए जाने चाहिए, तो इन सभी के डिसीजंस जो है वो वार्ड काउंसिलर लेते हैं, जिनको हम पार्षद भी बोलते हैं, जो कि अपने वार्ड के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, वहाँ के उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर गेट सेलेक्टेड। हमारा जो शहर है वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है, और वहाँ उस वार्ड से जो चुन के आता है उस इंसान को वार्ड काउंसिलर भी बोला जाता है, जिसको हम पार्षद बोलते हैं। उसके भी इलेक्शंस होते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस डैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स हु फॉर्म कम्युनिटी कमेटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। अब जब कोई भी ऐसे शहर के अहम हिस्से, ज़रूरी डिसीजंस जो कि शहर को प्रभावित करेंगे, तो वो सारे डिसीजंस बहुत सारे पार्षदों के द्वारा लिए जाते हैं, वार्ड काउंसलर्स के द्वारा लिए जाते हैं, और सभी वार्ड काउंसलर के ग्रुप को कमेटीज़ भी बोला जाता है, और उन सारी बातों पर चर्चा की जाती है जो कि शहर में प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़
बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड और क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर मोर रेगुलरली। तो ये अगर कहीं पे बस स्टैंड है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है और उसी के पास में ही बाज़ार भी है भीड़ भाड़ वाला, तो वहाँ की साफ़ सफाई रख रखाव के लिए वार्ड काउंसिलर्स की कमेटीज डिसीजन लेती हैं। और देर इज़ अ नाला और ड्रेन डैट कट्स थ्रू द सिटी डैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा। और अगर उस शहर में अगर कोई नाला पड़ता है तो वो पूरी तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये सभी के लिए डिसीजंस वार्ड काउंसिलर्स लेते हैं। इट इज़ दीज कमिटीज फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटनिंग एक्सेट्रा डेट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। और यही सारे बातों पर डिसीजंस लिए जाते हैं। शहर में पूरी तरीके से पानी प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर नहीं, गार्बेज कचड़ा इकट्ठा कहाँ पे किया जा रहा है, शहर में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं, अगर कोई ख़राब है तो उसको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी, इन सभी पे डिसीजंस जो हैं वो कमेटीज़ के द्वारा लिए जाते हैं। और कमेटीज़ हम सब जानते हैं, बहुत सारे वार्ड काउंसलर, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पार्षद वार्ड काउंसलर्स को मिलाकर कमेटीज़ बनती है। स्टूडेंट्स, ये कुछ साइड में क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहला, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। पंचायत में हमने पढ़ा था, पंचायती राज वाले में जो इन लोग जो चुने जाते हैं उनको सरपंच बोला जाता है या फिर पंच। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल, हम जानते हैं हमारा शहर जो है वो वार्ड्स में डिवाइडेड होता है। थर्ड है, इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनको वार्ड काउंसलर्स बोला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा शहर वार्ड्स में डिवाइडेड होता है और उन वार्ड्स की जिम्मेदारी वार्ड काउंसलर्स लेते हैं। ग्रुप ऑफ काउंसलर्स डील विद इश्यूज डैट अफेक्ट द, जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं काउंसलर्स के द्वारा, तो वो किसको अफेक्ट करते हैं, वो शहर को अफेक्ट करते हैं, सिटी को। फिफ्थ है, इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी डैश ईयर्स फॉर द पंचायत एज वेल एज द म्यूनसिपैलिटी। हम सब जानते हैं हमारे जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव है, वो 5 साल में होते हैं, प्रत्येक 5 साल बाद। स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव्ड इन द वार्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसिलर्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उस शहर के वार्ड में तो हम वार्ड काउंसलर से कॉन्टैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम टू गेट इन टच विद इन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर अथॉरिटी। अगर शहर में बिजली के तार हैं जो कि लटक रहे हैं गली में, परेशान करते हैं, तो हम वहाँ के लोकल काउंसलर जो वहाँ का पार्षद जो है वार्ड काउंसलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी को बात बताएगा कि इस जगह के तार अच्छे से किए जाएँ, सही तरीके से खींचे जाएँ, उनको रिपेयरिंग की जाए, सुधारा जाए। While the councillor committees and the councillor decides on the issues, the commissioner and the administrative staff implement these. जो भी councillors के द्वारा decide किया जाता है वो शहर के commissioner उसको follow करते हैं। The commissioners and the administrative staff are appointed and councillor are elected. जो शहर के commissioner होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं तो गवर्नमेंट ही उनको चुनती है, और जो काउंसलर होते हैं वो हम जैसे लोग आम इंसान चुनते हैं। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, आस्क रिहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। अब रिहाना इस बारे में क्यूरियस है कि ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। रिहाना के दिमाग में जो थी कि भाई ओवर क्रिकेट की सारी बातें, स्ट्रीट लाइट सब टूट गई, ये सारी बातें सब भूल गई थी और ये जानने को उत्सुक थी कि इनके डिसीजंस कौन लेता है शहर के। वेल, ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस। सारे जो शहर के वार्ड काउंसलर होते हैं, वन जिसको हम पार्षद बोलते हैं, वो एक बजट डिसाइड करते हैं जो कि उस शहर पर खर्च किया जाएगा आगे फ्यूचर में, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए।
द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड इंश्योर डैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। वार्ड काउंसलर ये भी डिसाइड करते हैं कि किस जगह से डिमांड आ रही है और इसको कैसे फॉलो अप करवाना है। दीज डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और ये डिसीजंस को जो फॉलो किए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्राफ के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, और डिसीजंस जो हैं वो वार्ड काउंसलर्स के द्वारा लिए जाते हैं, कमेटीज़ जिसको बोली जाती है। यास्मीन खाला एंजॉइंग द क्वेश्चंस, यास्मीन खाला को सवालों के जवाब देने में बहुत ही आनंद आ रहा था। फ्रेंड आस्क्ड, जो भी सवाल यास्मीन खाला से पूछे जा रहे थे उन सभी सवालों के जवाब देने में यास्मीन खाला को बहुत ही आनंद आ रहा था। नो एडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चन प्रोवाइडेड हर ओन एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम हर एक्सपीरियंस। ऐसा कभी किसी बड़े इंसान ने उससे यास्मीन खाला से ऐसे सवाल नहीं पूछे थे जैसे कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी थी सवालों के जवाब जानने की। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। हमारा शहर बहुत बड़ा होता है और शहर की जिम्मेदारी है कि वो सभी शहर में रहने वाले लोगों की देखभाल करे, ध्यान रखे। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, क्या म्यूनिसिपल नगर पालिका जो है हमारी उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ये शंकर के द्वारा पूछा गया था। He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. शंकर भी इस बारे में भूल गया था कि उसे मैच भी कंप्लीट करना है, और शंकर जो था वो ये पूछ रहा था कि ऐसे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नगर पालिका में बहुत सारे वर्कर्स होते होंगे जो काम करते होंगे। Yes, the worker is in the city is divided into different departments. हमारे शहर का जो काम है, जो लोड होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट के भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे, रेलवे। ऐसे ही शहर में भी शहर के काम को कैरी करने के लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है वाटर डिपार्टमेंट, गारबेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, लुक आफ्टर गार्डन एंड अदर आफ्टर लुक आफ्टर रोड। शहर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो कि शहर में पानी की सप्लाई पूरी तरीके से हो रही है फिर नहीं, उसका अलग डिपार्टमेंट होगा। इलेक्ट्रिसिटी का भी अलग डिपार्टमेंट होगा, साफ़ सफाई का भी अलग डिपार्टमेंट होता है, और रोड जहाँ पर बनती हैं उन सभी के डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। गार्डन्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं, इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारी बातें यास्मीन खाला के द्वारा बताई गई हैं। एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रेन सम कबाब्स टू ईट, और फिर बच्चे कबाब खाने के लिए चले गए। जहांगीर एट हिज कबाब्स एट द टॉप ऑफ स्पीड एंड एज ही वुल्फ्ड देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन। जहांगीर बहुत ही जल्दी जल्दी कबाब खा रही थी और किचन में ही चिल्ला रही थी, मुझे और कबाब चाहिए। यास्मीन खाला वर, वेयर डज द गारबेज दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू। यास्मीन खाला से भी पूछा कि जो हम कचरा कर रहे हैं वो कहाँ पे जाता होगा, उसको कौन कलेक्ट करता होगा। स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर, और भी जो लोग हैं, जो बच्चे थे वहाँ पर, रिहाना, जहांगीर, शंकर, माला, ये सब अपना कबाब खा रहे थे और यास्मीन खाला अपना जवाब भी देने लगी। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर, इस सवाल का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सवाल ये था कि शहर में जो कचरा होता है वो कहाँ पर जाता है, उसको कौन इकट्ठा करता है, कौन सा डिपार्टमेंट किसकी जिम्मेदारी होती है कचरे को इकट्ठा करने की। एज़ यू नोट यू कैन यूजली फाइंड अ गारबेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, तुम शहर में देखते होगे गलियों में कि हर जगह कचरा देखने को मिलता है। अर्लियर इवन व्हेन आवर नेबरहुड यूज्ड टू हैव गारबेज लाइंग ऑल ओवर, और तुम्हारे पड़ोसी भी कचरा ही करते हैं, हर जगह पड़ोस में भी कचरा फैला रखा है। और जब शहर में कचरा फैला हुआ होता है तो वो क्या है, उसको कोई भी कलेक्ट करने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कुत्तों को, चूहों को और फ्लाइज, मधुमक्खी, हमारी गंदी मक्खियों को भी अट्रैक्ट करता है,
मक्के बिन बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या है बीमारी लाती हैं, क्योंकि कुत्ते और चूहे वगैरह बाकी जानवर जो होते हैं ये कचड़े की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से बीमारियाँ भी शहर में फैलने की आशंका रहती है। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, जो इस कचड़े से जो बदबू उड़ती है उस बदबू से भी वो बीमार पड़ जाते हैं शहर के लोग। At one point things become so bad that the children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had get sick from staying on the street too long. और क्रिकेट खेलने के साथ उन बच्चों ने, उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इस बात से बहुत डरे हुए हैं, बहुत ही चिंता है उन्हें कि हमारे बच्चे